नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ICR के ऊपर चर्चा करेंगे, साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे क्या एक्सपेक्टेशन कट ऑफ रही है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया दोस्तों, हमारी पूरी टीम लगी हुई है और आपको कट ऑफ निकाल के बताएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपका रिजल्ट नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा दोस्तों, जैसा कि फर्स्ट वीक में आ गया है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ काउंसलिंग कब से शुरू होगी। काउंसलिंग आपकी लगभग 10 नवंबर के बाद शुरू हो जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, अभी जो आपको रैंक नहीं दी गई है इसका कुछ कारण हो सकता है। साथ ही आपको NTA ने जो अपनी ऑफिशियल साइट पर जो रिजल्ट अपलोड किया उसमें आपको परसेंटाइल नहीं दी है, इसकी वजह से स्टूडेंटों का काफ़ी मनोबल गिरा हुआ है, क्योंकि उनको नंबर तो पता चल गया लेकिन अभी रैंक पता नहीं चली। तो कहीं ना कहीं उनके मन में यही हो सकता है हमसे कितने स्टूडेंट आगे हैं कितने पीछे हैं, क्योंकि जैसा नीट में हुआ आपने देखा होगा इस बार नंबर बहुत स्टूडेंटों के ज़्यादा थे लेकिन जब रैंक देखी तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। इसलिए रैंक नहीं मिल पाने से एक आइडिया लगाना बहुत टफ लग रहा है, क्योंकि हमारी पूरी टीम ने काफ़ी मशक्कत करने के बाद ये कट ऑफ तैयार किए। तो थोड़ी देर में मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा लेकिन इसमें थोड़ी अप डाउन हो सकती है दोस्तों, क्योंकि अब तक रैंक नहीं आई तो ये हमने वैसे अपनी पूरी जी जान लगा दी, कई एक्सपर्टों से बात की है, पूरा संगठन पूरा यूनियन लग के कट ऑफ निकालिए, लेकिन फिर भी इसमें अप डाउन हो जाती है दोस्तों। उसके लिए मैं क्षमा आपसे पहले ही चाहूँगा, क्योंकि बिना रैंक और परसेंटाइल के कट ऑफ निकालना बहुत 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 जटिल काम है, लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश की है। इसके अलावा दोस्तों फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आज मैं जो कट ऑफ डाल रहा हूँ इसमें अगर कुछ सुधार होगा तो सुबह जो वीडियो बनाऊंगा कल या परसों जितने भी, तो उसमें ये वीडियो डिपेंड करेगा आप कमेंट बॉक्स में अपना कितना कमेंट लिख के भेजते हो, जिससे कि एक आइडिया लग जाए कि इतने स्टूडेंट हैं, ऐसा सिस्टम है, क्योंकि एक स्टूडेंट ही सही इन्फॉर्मेशन देता। तो दोस्तों मैं आज की कट ऑफ आपके लिए बता देता हूँ जहाँ तक हमारी टीम ने लगाई है। दोस्तों वहीं बात करते हैं सबसे पहले शेड्यूल कास्ट की। तो दोस्तों शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ इस साल 290 से 300 नंबर के बीच में रहने वाली है, लास्ट कट ऑफ लगाई है दोस्तों ये। इसके बाद हो सकता है इसमें कुछ नंबर की गिरावट आ जाए थर्ड राउंड फोर्थ राउंड वॉप अप राउंड तक, लेकिन ये कट ऑफ 290 से 300 बीच के बीच में ही रहेगी। वहीं बात करते हैं दोस्तों ST कैटेगरी की। ST कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों इनकी कट ऑफ का एक आइडिया लगाया गया, वो लगाया गया 250 नंबर से और 270 के बीच में इनकी कट ऑफ रहेगी। और ये कट ऑफ हो सकता है आपके जैसे ही राउंड बढ़ते जाएं, मॉप अप राउंड बढ़ते जाएं, क्योंकि इस बार नीट का रिजल्ट इतना हाई रहा है कि उधर अभी ऐसा लग नहीं रहा कि ICR के स्टूडेंट नीट के साइड जा पाएंगे, क्योंकि नीट में उन्हीं स्टूडेंटों का होगा जिनके 600 प्लस नंबर हैं। तो दोस्तों लास्ट ईयर चले गए लेकिन इस बार यार कट ऑफ निकालने में रियल में बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो मैंने आपको ST की बता दी है। इसके अलावा मैं आपको जनरल की बताता हूँ दोस्तों, जनरल की कट ऑफ इस बार अप्रॉक्स 410 नंबर से ऊपर ही रहेगी, कम जाने वाली नहीं है जहाँ तक हमारी स्टूडेंट से बात हुई है, पेरेंट्सों से बात हुई है, इसके अलावा जो हमने पेपर का लेवल दिया गया। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ OBC की कट ऑफ आपकी लगभग 380 से लेकर 400 के बीच में रहने वाली है, इसके समथिंग आपकी अप्रॉक्स जरूर कट ऑफ रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि ये पेपर तीन कैटेगरियों में हुआ, तीन दिन हुआ है, तो पेपर का लेवल अप डाउन है, किसी में सरल है, किसी में टफ है, किसी में मिडिल है, तो इससे भी स्टूडेंट के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि सरल पेपर हालांकि कहने में ऐसा लगता है कि ये किसी सिलेबस है, कोई टफ और सरल इस चीज़ इस दुनिया में नहीं है, दोस्तों बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। दो डबल पेपर आपकी सेम तैयारी है, आपको सेम पेपर मतलब ये कि लेवल के देता हूँ, आप कभी अगर आपको बैठा के एक साथ पेपर दिलाया जाए ना एक दिन के बाद सेम पेपर, तो आप कभी सेम स्कोर नहीं लग सकते, आपके स्कोर में कम से कम 20-30 नंबर का फ़र्क तो मिलेगा ही। तो यही कंडीशन यहाँ है, इसलिए NTA भी इस पर विचार कर रही है, हमने काफ़ी मेल कर दिए हैं कि सर ये पेपर अलग अलग हैं, टफ इजी, आप एक तरीके से जो कट ऑफ निकालें बच्चों का सिलेक्शन करें तो उस चीज़ को भी आप मद्देनज़र रखें, क्योंकि आपके लिए इतने बड़े एग्जाम कराने की जिम्मेदारी दी गई है तो आपको हर तरीके से सोचना है, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही या फिर थोड़ा सा इग्नोरेंस स्टूडेंट के कैरियर के खिलाफ और कैरियर के साथ जा सकता है। तो दोस्तों हमने अपील कर दी है, इसके अलावा बस आपका बस इतना ही सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हर तरीके की वीडियो हमारा पूरा टीम लगा हुआ है, बस आप अपना कमेंट कर दीजिए जिससे कि हमें एक तो मोटिवेशन हो, इसके अलावा दोस्तों हमारे लिए एक वो गाइडलाइन मिल जाए कि हाँ यार इतने स्टूडेंट हैं, बस इतना सपोर्ट आपका चाहिए। इसके अलावा दोस्तों देखता हूँ मैं अगर 9 बजे बाद यूट्यूब पर ऑनलाइन आता हूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं 8 से 9 बजे वेटनरी के स्टूडेंटों से बात करूँगा। इसके अलावा 9 से 10 देखता हूँ अगर ICR के बच्चों के पास कितना समय निकाल पाता हूँ, तो दोस्तों आप मुझे ऑनलाइन देख सकते हैं। आज अगर मैं 9 से 10 के बीच में आ गया ठीक है, वरना मैं कल ज़रूर आपके लिए लाइव आऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं, मैं आप इंतज़ार कीजिएगा और जो आपके डाउट हों, क्योंकि दोस्तों मैं आपकी उधर से शायद आवाज़ ना सुन पाऊँ, लेकिन आपके दोस्तों जो आपके डाउट हों आप मेरे से कमेंट कर दें, क्योंकि कमेंट पढ़ के मैं आपके सारे क्वेश्चनों की कोशिश करूंगा, आपको कितने तक ICR मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्या सिस्टम है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, तो दोस्तों आप ज़रूर देखिए वो वीडियो, वो सेशन करूंगा मैं पूरा, काफ़ी स्टूडेंटों से बात होगी, लगभग बहुत स्टूडेंट जुड़ेंगे, तो आप भी उस चीज़ का हिस्सा बनिए, क्योंकि मुझे पता आज रिजल्ट आया बहुत घबराए हुए हैं आप और बहुत ज़्यादा टेंशन में, मैं खुद स्टूडेंट हूँ आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। तो दोस्तों आपके दुख में मैं पूरा दुखी हूँ, साथ ही आपकी खुशी में भी खुशी हूँ,
तो दोस्तों मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।